गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। इसमें हम रिवीजन करेंगे आवर अर्थ, यानी कि हमारी धरती के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम पहले क्लियर कर चुके हैं, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको पहले डिक्टेशंस लिखने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु एम आई, मैं कौन हूँ, वैली, अर्थ, वाटर, ग्लोब, ये है हिंट बॉक्स। तो आपको ये क्वेश्चन के इनमें से आंसर फिल देख के और फिल करने हैं। आई एम फाउंड इन रिवर, पॉन्ड एंड सी, मैं कहाँ मिलता हूँ, रिवर में, नदियों में मिलता हूँ, तालाबों में मिलता हूँ और समुद्र में मिलता हूँ। तो वो कौन सी चीज़ें जो तीनों जगह पाई जाती है, तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। आई एम राउंड लाइक अ बॉल, मैं बॉल की तरह गोल हूँ। तो क्या है बॉल की तरह गोल, तो आपको इनमें से आंसर देख के लिखना है। आई एम द मॉडल ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी का मॉडल हूँ। तो आपको आंसर लिखना है इनमें से देख के। आई एम द लैंड बिटवीन टू हिल्स, मैं दो हिल्स के बीच में एक लैंड हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, दो जो दो हिल होते हैं बीच में से लैंड जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम। तो आपको आंसर यहाँ पर फिल करना है। अब है टिक द करेक्ट आंसर, द ब्लू पार्ट ऑन अर्थ इज, जो पृथ्वी का ब्लू पार्ट होता है वो कौन, क्या कहते हैं उसको, लैंड, वाटर या ट्री। द शेप ऑफ द अर्थ इज, जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा है, राउंड, रेक्टेंगल या ट्राइंगल। द ब्राउन पार्ट ऑफ द अर्थ इज, द जो ब्राउन पार्ट है पृथ्वी का वो कैसा है, लैंड है, ट्री, वो कौन सा है, लैंड है, ट्री है, वाटर है। तो आपको राइट आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेन, ये हिंट बॉक्स है, प्लेन, सिमिलर, लैंड, ग्लोब, कोकोनट, सी। द डैश इज अ मॉडल ऑफ अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का मॉडल क्या है। तो आपको आंसर इनमें से देख के फिल करना है। लैंड इज नॉट डैश एवरीवेयर, क्या नहीं है लैंड हर जगह, सिमिलर नहीं है। वी ऑल लीव ऑन द, हम कहाँ पर रहते हैं, लैंड पे। तो आपको यहाँ लैंड लिखना है। लॉ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड, जो लॉ फ्लैट होते हैं यानी कि जो नीचे की तरफ बिल्कुल प्लेन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो यहाँ प्लेन लिखना है। कोस्टल प्लेसेज आर नियर द, कोस्टल प्लेसेज कहाँ पर होते हैं, सी के पास में। द डैश प्लांट्स ग्रो इन द कोस्टल एरिया, कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, कोकोनट प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डियर नेम्स, तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स के नेम को पिक्चर्स देख के उनके नेम लिखने हैं। तो ये कौन सा प्लेस है, डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है और ये ऊँट है, यहाँ पर कैमल दिख रहे हैं, तो इसको हम इस प्लेस को डेजर्ट बोलते हैं। ये है कोस्ट, तो जहाँ पे समुद्र के नियर बाय आपने देखे कोकोनट ट्री है, तो इसको हम कोस्ट बोलते हैं। ये है हिल्स, तो आपको यहाँ पर हिल्स लिखना है। ओके, तो ये वर्कशीट आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है। थैंक यू।